नमस्कार दोस्तों, समस्याएं आपकी समाधान हमारा के YouTube चैनल में मैं जतिन सहगल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों अब हम बात करेंगे सूर्य के गोचर के बारे में, जो कि 13 फरवरी सन 2018 को मकर राशि छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो विभिन्न राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बारी है मेष राशि के जातकों के लिए। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य जो है उनके दशम स्थान को छोड़ करके उनके 11वें स्थान में आ रहे हैं। 11वां स्थान हमारे स्वयं कमाए हुए धन का होता है, हमारी इच्छाओं का होता है, हमारे बड़े भाई बहनों का होता है। यानी मेष राशि के लोगों के लिए जो अब तक उनके 10th हाउस में जो गोचर कर रहा था, अब 11th हाउस में गोचर करने की वजह से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से हो सकता है उनको कुछ संभावनाएं ऐसी बनी हो कि जॉब मिलने की संभावनाएं बन गई हो, तो अब गवर्नमेंट की तरफ से लाभ की भी संभावनाएं उनको बन सकती हैं। यानी क्या है कि अब कुछ ऐसा माहौल बनेगा कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई टेंडर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई ऐसा काम, क्योंकि सूर्य जो है सरकार का प्रतीक होता है, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको कुछ लाभ की संभावनाएं बढ़ाएगा। इसके अलावा उच्च पदाधिकारी यानी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी सरकार से रिलेटेड जो लोग होंगे उनके साथ आपके अच्छे संबंध बन सकते हैं, इस प्रकार की कुछ संभावनाएं बनेंगी। परंतु आपके बड़े भाई बहनों को थोड़ा सा गुस्सा अवश्य आ सकता है, क्योंकि सूर्य एक एनर्जेटिक प्लैनेट है, एनर्जी तो रहेगी पर कारण है वो राजा और गर्म प्लैनेट भी है, तो उसके कारण थोड़ा सा कहीं ना कहीं गुस्से का प्रभाव हमारे अंदर आ जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके बड़े भाई बहन को थोड़ा सा गुस्सा रह सकता है, तो ऐसे में आप उनके साथ किसी भी वाद विवाद में ना पड़े तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसमें कहीं ना कहीं आपके लिए बेटरमेंट ही रहेगी। और अगर आप अपने केवल और केवल कुछ भी गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है उनमें थोड़ा सा और प्रयास लगाएंगे तो आप देखेंगे आपके वो कार्य बनते चले जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये केवल एक गोचर का अनुमान होता है, एक महीने तक रहता है, परंतु वास्तव में क्या, सबसे पहले आपकी जन्म कुंडली ही काम कर रही होती है, यानी आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा अगर वो अच्छे नक्षत्रों में चल रही होगी, स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया होगा, तो आपके ये काम बड़े इजीली हो जाएंगे। परंतु अगर वो पहले से ही नेगेटिव नक्षत्रास में, यानी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा नेगेटिव नक्षत्रास में चल रही होगी, तो थोड़ी बहुत संभावना उस हिसाब से आपको फल प्राप्त नहीं होगा। जितना आप अच्छा फल सोच रहे होंगे तो उतना नहीं मिलेगा। परंतु क्या है, फिर भी जैसा मैंने बोला कि एस्ट्रोलॉजी इज अ डिवाइन साइंस, नो वन कैन चेंज योर डेस्टिनी, बट यस यू कैन बैलेंस द थिंग्स। यानी ज्योतिष एक दिव्य विज्ञान है, भाग्य आपका कोई नहीं बदल सकता, परंतु हाँ आप अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को संभाल अवश्य सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप छोटा सा उपाय ये करें कि गायत्री मंत्र का आप निरंतर जाप करते चले जाएं, अगर कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं तो गेहूं या गुड़ या घड़ी का दान किसी गरीब जरूरतमंद को अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे आपका सूर्य बेटर होता चला जाएगा। पिता या पिता तुल्य व्यक्तियों के साथ अगर आप अच्छे संबंध रखेंगे तो आप देखेंगे आपका सूर्य और भी बेटर होता चला जाएगा। इसके अलावा कोशिश ये करें सरकार के साथ किसी भी प्रकार की आप चीटिंग ना करें, और सूर्य को अगर आप निरंतर जल देते चले जाएंगे तो आप देखेंगे आपके लिए ये सूर्य के जो गोचर का रिजल्ट है वो पॉजिटिव ही होता चला जाएगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं मेष राशि के जातकों के साथ हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं जतिन सहगल, समस्याएं आपकी समाधान हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।